मेरा कहाँ रह गए थे आप? दानिया कब से वेट कर रही है आपका, चले आए। और तुम? मैं भी। अच्छा क्या है कि ये जो तुमने कानों में पहन रखा है ये तुम्हारी साड़ी के साथ कुछ अधूरा लग रहा है। How about this? बहुत प्यारा है लेकिन बर्थडे मेरी नहीं दानिया की है। और ये तुम्हारे लिए, इसलिए कि तुमने मुझे दानिया जैसी प्यारी बेटी दी। मेरा बस चले तो सचमुच आसमान से तारे तोड़ कर लिया और तुम सब लोगों को इतनी खुशियां दो कि दुनिया रश करे। आपके कपड़े अंदर बेड पे पड़े, जल्दी से तैयार होकर नीचे। जी जनाब। हसीब, क्या है, कब से काम कर रहे हैं आप? आखिर कब खत्म होगा ये? खत्म। देखिए आप अपने ऑफिस का काम ना ऑफिस की हद तक रखा करें, घर मत लाया करें। मैं आपको किसी भी चीज के साथ शेयर नहीं कर सकती, इवन इस बदतमीज से लैपटॉप के साथ भी नहीं। अरे जनाब मेरा बस चले ना तो सारा दिन इसी तरह तुम्हारे सामने खड़ा रहा, लेकिन क्या करें, इस पेट की खातिर नौकरी भी तो करनी है। मैं तो आपको बताने ही भूल गई, तारिक भाई की कॉल आई थी। वो कह रहे थे कि इतना टाइम हो गया बच्चों के साथ और आपको लेकर मैं कभी आई ही नहीं उनके घर, तो वीकेंड पे चले उनकी तरफ। नहीं, इस वीकेंड पर मुझे बहुत काम है। तुम और बच्चे क्यों नहीं चले जाते? लेकिन नहीं, तुम लोग चले जाओगे तो मेरा दिल भी तो नहीं लगेगा यहाँ। तो आपने ये बात बोली भी क्यों? You know that I cannot travel without you. I cannot even imagine my life without you. आपने आज कहा है, फिर से मत कहिएगा। अच्छा सॉरी जनाब, आइंदा नहीं कहूंगा। तुम एक काम क्यों नहीं करती, अपने तारिक भाई से बोलो कि वो यहाँ आ जाए। हर वक्त हमें क्यों बोलते रहते? Yeah, I think you're right. कॉल कर लूंगी उनको और पूछ लूंगी। आपकी फेवरेट कैरमल कॉफी बना के लाऊं? मना भी तो नहीं कर सकता।